कि ये कहानी अब खत्म होने वाली है जैसे हमने सोचा वैसे ही। दोस्तों 1 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है मिस्टर सीरियल किलर और इसका हाल ही में अभी ट्रेलर आया है, तो इस वीडियो में इस ट्रेलर के बारे में हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है सीरीज कुंदर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फराह खान ने और इस मूवी के मेन कास्ट में है जैकलिन फर्नांडिस, मनोज भाजपाई और मोहित रैना। 1 मिनट 44 सेकंड का यह ट्रेलर है और यह मूवी नेटफ्लिक्स पर 1 मई को रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया। ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि 6 लड़कियों को किडनैप हुआ है, उसमें से एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उसमें से बचे 5 लड़की क्या हुआ वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। उस लड़की के मर्डर केस में जैकलिन के हस्बैंड को जेल हो जाती है, जिसके बाद वह उसे बेल पे भी बाहर नहीं निकाल सकती और जैकलिन यहाँ अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और मूवी का मजा यहीं से स्टार्ट होता है। बाद में जैकलिन को पता चलता है कि यह कौन कर रहा है। मोहित रैना जो कि एक इंस्पेक्टर है, उसकी शादी जैकलिन से हो चुकी होती है। साफ तौर पर आप इन दोनों को फोटो देख सकते हैं और किसी कारणवश इन दोनों का शायद डिवोर्स हो गया होगा या फिर शायद दोनों ऐसे ही अलग हो गए होंगे। और इसी का बदला लेने के लिए मोहित रैना ने जैकलिन के पति को इस केस में फंसा दिया है। लेकिन बाद में जैकलिन भी अपने हस्बैंड को नहीं बचा पाती है और शायद वो मर जाते होंगे, जिसके बाद जैकलिन का हमें आइकॉनिक अवतार देखने को मिलता है जिसमें वह थोड़ी पागल टाइप से हो जाती है। वह अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह बदला लेने के लिए निकल पड़ती है और वह एक साइको किलर बन जाती है। अब मूवी में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वह बदला कैसे लेती है। ये तो हो गई मेरी थ्योरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।